हेलो स्टूडेंट्स, मैं गोविंद कुमार आप सबका अपने चैनल पर हार्दिक स्वागत करता हूँ। बच्चों, आज के इस वीडियो लेक्चर में हम कक्षा 8 सामाजिक विज्ञान के बोर्ड द्वारा जारी किए गए मॉडल पेपर को सॉल्व करेंगे। ये मॉडल पेपर शिक्षा विभाग बीकानेर के द्वारा जारी किए गए हैं, जो आपके आने वाली बोर्ड परीक्षा पर आधारित है, और इसी नमूने पर आधारित आपकी बोर्ड परीक्षा का पेपर भी आएगा। तो उम्मीद करता हूँ ये पेपर आपके लिए काफ़ी उपयोगी साबित होगा। इससे जो पिछली क्लास थी उनमें हमने गणित, विज्ञान, अंग्रेजी, हिंदी सभी के मॉडल पेपर सॉल्व करा लिए हैं, तो अगर आपने वो क्लास नहीं देखी है तो वो क्लास भी जरूर देख लें। ठीक है बच्चों, तो चलिए हम शुरू करते हैं। तो बच्चों, आपका जो पेपर होगा वो 2.5 घंटे का होगा, और जो समय है वो 2.5 घंटे हैं, और पूर्णांक कितना है 50 नंबर का। ठीक है बच्चों, देखें प्रश्न संख्या 1 से लेकर 11 तक 1 अंक के हैं। पहला प्रश्न है, रामकृष्ण मिशन की स्थापना किसने की थी? तो इसका आंसर सबको पता होगा बच्चों कि रामकृष्ण मिशन की स्थापना स्वामी विवेकानंद ने की थी। दूसरा प्रश्न है, स्वतंत्रता हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है, यह नारा किसने दिया था? तो बच्चों, यह नारा दिया था बाल गंगाधर तिलक ने। सुनहरा रेशा से क्या अभिप्राय है? तो सुनहरा रेशा किसे कहा जाता है? तो वो कहा जाता है जूट अथवा पटसन को। किसे कहा जाता है? जूट अथवा पटसन को। वे 3 मुख्य कारक कौन से हैं जिनसे जनसंख्या में परिवर्तन होता है? जन्म, मृत्यु और विवाह, जन्म, मृत्यु और प्रवास, जन्म, मृत्यु और जीवन प्रत्याशा, जन्म, मृत्यु और आयु। तो बच्चों, जनसंख्या में जो परिवर्तन होता है वो जन्म, मृत्यु और प्रवास के कारण होता है। निम्नलिखित में से कौन सा कारक मृदा निर्माण का नहीं है? इनमें से ऐसा कौन सा कारक है जो मृदा के निर्माण में भूमिका नहीं निभाता? तो वो बच्चों है ह्यूमस। क्या है? ह्यूमस। आगे है, भारतीय संविधान की मुख्य विशेषता है? संघवाद बिल्कुल है, संसदीय शासन पद्धति है, शक्तियों का बंटवारा भी है, उपयुक्त सभी। इसका आंसर हो जाएगा उपयुक्त सभी। आगे हैं, भारत का सर्वोच्च न्यायालय कहाँ स्थित है? तो आप सब जानते होंगे बच्चों, भारत का सर्वोच्च न्यायालय यानी सुप्रीम कोर्ट नई दिल्ली में स्थित है। केंद्र और राज्य के बीच विवाद का निपटारा कौन सा न्यायालय करता है? तो बच्चों, केंद्र और राज्य के बीच अगर किसी बात को लेकर विवाद हो जाता है तो उसका अंतिम निर्णय करता है वो कौन करता है? हाई कोर्ट, सॉरी सुप्रीम कोर्ट। कौन करता है? सुप्रीम कोर्ट, सर्वोच्च न्यायालय। हैदर अली और टीपू सुल्तान कहाँ के शासक थे? तो बच्चों, ये दोनों शासक मैसूर रियासत के थे। कहाँ के थे? मैसूर के। अंतिम मुगल बादशाह कौन था? तो बच्चों, अंतिम मुगल बादशाह बहादुर शाह सेकंड या बहादुर शाह जफर था, जिन्होंने 1857 की क्रांति का नेतृत्व भी किया था। ठीक है बच्चों, आगे है, निम्नलिखित के जोड़े बनाइए। तो विलियम जॉन्स किसके जरिए जाने जाते हैं? तो प्राचीन संस्कृतियों का सम्मान। किसके लिए जाने जाते हैं? प्राचीन संस्कृतियों का सम्मान। दूसरा है टॉमस मैकाले। क्या है? टॉमस मैकाले। तो भारत में अंग्रेजी शिक्षा को जो बढ़ावा देने का कार्य किया था वो किसने किया था? टॉमस मैकाले ने। तीसरा है महात्मा गांधी। तो महात्मा गांधी क्या थे? अंग्रेजी शिक्षा के विरुद्ध थे। फिर पाठशालाएं किससे संबंधित है? गुरु से संबंधित। ठीक है बच्चों, तो आपके 11 प्रश्न हो गए। आगे देखें बच्चों, जनसंख्या पिरामिड क्या है? ये देखो प्रश्न संख्या 12 से लेके 21 तक, इनमें से केवल आपको कितने प्रश्न करने हैं? 7 प्रश्न, सभी नहीं करने, और प्रत्येक प्रश्न कितने अंक का है? 2 अंकों का है। तो बच्चों देखो, जनसंख्या पिरामिड क्या है? इसका आंसर हो जाएगा, जनसंख्या पिरामिड एक देश की जनसंख्या की आयु व लिंग संरचना को दर्शाता है। एक जो जनसंख्या पिरामिड है वो एक देश की जनसंख्या की आयु कितनी है और उनकी लिंग संरचना कैसी है उसको एक आलेख के जरिए दर्शाता है। बच्चों की संख्या 15 वर्ष से नीचे और जन्म स्तर निचले भाग द्वारा दर्शाया जाता है, यानी बच्चों की संख्या उस पिरामिड में, बच्चों की संख्या और उनका जन्म जो स्तर है वो निचले भाग में दर्शाया जाता है। ऊपर का आकार वृद्ध लोगों 65 वर्ष से अधिक और मृतकों की संख्या को दर्शाता है, यानी पिरामिड का जो ऊपरी भाग है वो जो वृद्ध लोग हैं और जो मृतकों की संख्या है उसको दर्शाता है। ठीक है बच्चों, उदाहरण था, एक देश की जनसंख्या पिरामिड जिसमें जन्म दर और मृत्यु दर दोनों ही ऊंचे हैं, आधार पर कैसा होता है? चौड़ा होता है, और ऊपर तीव्रता से संकरा हो जाता है। जनसंख्या पिरामिड एक देश में निर्भर लोगों की संख्या भी बताता है, यानी कि सिंपल शब्दों में कहे तो एक जो जनसंख्या पिरामिड है वो एक देश की जो जनसंख्या की आयु क्या है और उनकी लिंग संरचना क्या है उसका आलेख या उसका संबंध दर्शाता है। ठीक है बच्चों, आगे देखो, स्थानांतरित कृषि क्या है? तो आप सब जानते होंगे कि स्थानांतरित कृषि क्या होता है। कि बच्चों, होता क्या था कि प्राचीन समय में कई सारे आदिवासी
और जो दूसरी जो निम्न पिछड़े वर्ग के लोग थे जो जंगलों में रहा करते थे, तो वो क्या करते थे, एक स्थान से दूसरे स्थान पर भ्रमण कहा करते थे, और भ्रमण के दौरान जहाँ पर भी वो रुकते थे वहाँ के जंगलों और पेड़ पौधों को वो काट देते थे, और वहाँ पर क्या करते थे, वो कुछ समय के लिए खेती करते थे। तो इस प्रकार की खेती को स्थानांतरी या घुमंतू कृषि कहा जाता है। ठीक है बच्चों, तो देखें कि कृषि का वह तरीका जिसमें वृक्षों को काट कर और जलाकर भूखंड को साफ किया जाता है और राख को मृदा में मिलाया जाता है, भूमि की उर्वरता समाप्त हो जाने पर उस जगह को छोड़कर फिर दूसरी नई जगह पर कृषि की जाने लगती है। तो ऐसी कृषि को स्थानांतरित कृषि या झूम कृषि या वालरा कृषि भी कहते हैं। आगे देखें रोपण कृषि क्या है। तो बच्चों रोपण कृषि भी कृषि का एक प्रकार है। तो देखो रोपण कृषि वाणिज्यिक कृषि का क्या है, एक प्रकार है। इसमें बड़े पैमाने पर क्या लगता है, श्रम और पूंजी की आवश्यकता होती है। इसमें ये जो खेती है इसको करने के लिए वैज्ञानिक विधियों का उपयोग किया जाता है। इसके अंतर्गत मुख्यतः हम बात करें तो चाय, कहवा, काजू, रबर, केला ये आदि की एकल फसल उगाई जाती है। तो ऐसी फसलों को रोपण कृषि के अंतर्गत गिना जाता है। आगे देखें सिपाहियों को नए कारतूसों पर क्या ऐतराज़ था। तो आपने पढ़ा होगा 1857 की क्रांति। तो नए सिपाहियों के द्वारा जो क्रांति करने का मुख्य कारण क्या था, कि सिपाहियों को लगता था कि कारतूस पर जो पट्टी लगी होती है उसको बनाने में गाय व चूहर की चर्बी का प्रयोग किया गया है, और बंदूक में कारतूस लगाने के लिए कारतूस पर लगी उस पट्टी को दांत से क्या करना पड़ेगा, काटना पड़ेगा। और ऐसी स्थिति में उन्होंने सोचा कि उनका जो हिंदू धर्म है उसको क्या पहुँचेगी, ठेस पहुँचेगी। तो इससे हिंदू और मुसलमान सिपाहियों की धार्मिक भावना को क्या पहुँचती थी, ठेस पहुँचती थी। और इसी आशा की यानी इसी कारण की वजह से उन्होंने क्या की 1857 की क्रांति का बिगुल बजा दिया था। और यही सबसे क्या था, 1857 की क्रांति का तात्कालिक कारण था कि सिपाहियों द्वारा चर्बी युक्त कारतूसों को चलाने से क्या कर दिया गया था, इनकार कर दिया गया था, और जिसके कारण आगे चलकर 1857 की क्रांति भी हुई थी। आगे देखो बच्चों यूरोप में किस तरह के कपड़ों की भारी मांग थी, कि यूरोप में किस तरह के कपड़ों की भारी मांग थी जिसके कारण भारत से उन कपड़ों का क्या होता था, निर्यात होता था। तो देखें यूरोप में कैसे कपड़ों की मांग थी, मसलिन या मलमल कपड़ों की, कैलिको यानी सूती कपड़ों की, सीटन यानी छींट कपड़ों की, और जामदानी यानी कि बारीक मलमल कपड़ों की। इन कपड़ों की क्या थी, इन कपड़ों की यूरोप में काफ़ी डिमांड थी और जिसकी वजह से इनकी भारी मांग थी, और भारत से ज़्यादातर जो कपड़े या जो कच्चा माल था वो यूरोप क्या होने लगा, स्थानांतरित होने लगा था। आगे देखिए रोलैक्ट एक्ट क्या था। तो बच्चों आप सबने पढ़ा होगा रोलैक्ट एक्ट क्या था, कि इसके एक्ट के अंतर्गत कि जो भारतीय थे उन भारतीयों को किसी भी कारण से, ठीक है, यानी बिना किसी कारण से भी अगर चरका साए तो उन्हें जेल में बंद कर सकती थी। ठीक है, तो ब्रिटिश सरकार ने सन 1919 में रोलैक्ट एक्ट लागू किया। ठीक है, और इस कानून के अधीन सरकार का विरोध करने वाले किसी भी व्यक्ति को सरकार लंबे समय के लिए जेल भेज सकती थी, यानी कि सरकार अपनी मर्जी से किसी भी व्यक्ति को गिरफ्तार कर सकती थी और उसे अपनी मर्जी अनुसार उसे क्या कर सकती थी, सजा भी दे सकती थी। आगे देखें विलय नीति का सिद्धांत किसने दिया था। विलय यानी कि जो डॉक्ट्रिन ऑफ लेफ्ट्स थी, ठीक है, हड़प नीति, हड़प नीति का सिद्धांत किसने दिया था, तो वो दिया था गवर्नर जनरल लॉर्ड डलहौजी ने, गवर्नर जनरल लॉर्ड डलहौजी, किसने दिया था, गवर्नर जनरल लॉर्ड डलहौजी ने दिया था विलय, या फिर किसका, डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स का सिद्धांत यानी कि हड़प नीति का सिद्धांत, जिसके अंतर्गत विभिन्न राज्यों को हड़प नीति के अंतर्गत क्या मिलाया गया था, अंग्रेजी साम्राज्य में मिला दिया गया था। आगे प्रश्न है धार्मिक सॉरी भारतीय धर्मनिरपेक्षता क्या है। तो देखो बच्चों इसका आंसर क्या हो जाएगा, तो देखो धर्मनिरपेक्षता का अर्थ क्या है, कि राज्य राजनीति अथवा किसी गैर धार्मिक मामले में धर्म को क्या रखेंगे, दूर रखे तथा सरकार धर्म के आधार पर किसी से भी कोई भेदभाव नहीं करेगी। ठीक है, धर्मनिरपेक्षता का अर्थ किसी के धर्म का विरोध करना नहीं है, बल्कि सभी को अपने धार्मिक विश्वासों एवं मान्यताओं को पूरी आज़ादी से मानने की क्या है, छूट देता है, यानी प्रत्येक व्यक्ति को अधिकार है कि वो अपनी जिस भी धर्म को मानना चाहे वो अपने धर्म को मान सकता है, उसे किसी भी प्रकार की उस पर रोक नहीं है। धर्मनिरपेक्ष राज्य में उस व्यक्ति का भी सम्मान होता है जो किसी भी धर्म को नहीं मानता, यानी कि एक धर्मनिरपेक्ष राज्य में उस व्यक्ति को भी महत्व दिया जाता है भले वो नास्तिक हो अथवा किसी की धर्म को नहीं मानता हो। धर्मनिरपेक्षता के संदर्भ में धर्म व्यक्ति का नितांत निजी मामला है जिसमें राज्य तब तक हस्तक्षेप नहीं करेगा जब तक कि विभिन्न धर्मों की मूल धारणाओं में
आपस में टकराव की स्थिति उत्पन्न नहीं होती। ऐसी दशा जब तक उत्पन्न न हो तब तक सरकार उसमें किसी भी प्रकार की दखलअंदाजी नहीं करेगी। व्यक्ति को छूट है कि वो जिस भी धर्म को अपनाना चाहे अपना सकता है। उसके लिए पूजा पाठ कर्मकांड जो भी वो मानता है या अपने लिए उचित समझता है वो क्रिया को संपन्न करवा सकता है। ठीक है बच्चों, आगे देखें, न्यायपालिका के दो कार्य बताइए। तो बच्चों आप सब जानते हैं न्यायपालिका का कार्य क्या है। तो न्यायपालिका का पहला कार्य क्या है, कानून की व्याख्या करना। क्या है, कानून की व्याख्या करना। और दूसरा क्या है कि जो मुजरिम है अपराधियों के खिलाफ अपराधियों को क्या देना, सजा देना। अपराधियों को सजा देना, ठीक है। तो न्यायपालिका के दो प्रमुख कार्य हैं, एक कानून की व्याख्या करना और एक अपराधियों को सजा देना। आगे देखो बच्चों, आदिवासी लगातार हाशिए पर क्यों खिसकते जा रहे हैं, जो कारण बताइए। मतलब आदिवासियों की स्थिति क्यों खराब होती जा रही है, यानी हाशिए का मतलब है कि उनकी स्थिति पहले से भी क्यों कमजोर होती जा रही है, इसका कारण क्या है। तो बच्चों इसका कारण देखो, इसके दो कारण क्या हैं। पहला है इमारती लकड़ी और खेती और उद्योगों के लिए विशाल वन भूमियों को क्या किया जा रहा है, साफ किया जा रहा है, जिसके कारण से जो आदिवासी इमारती लकड़ी और जो पेड़ पौधों से प्राप्त फल फूल गोंद थी, उनसे प्राप्त इमारती लकड़ी उन पर आश्रित थे, तो उनकी वो रोजीविका, उनकी जो आजीविका के जो साधन थे वो क्या हो रहे हैं, धीरे धीरे समाप्त हो रहे हैं, ठीक है, जिसके कारण से उनकी स्थिति क्या हो रही है, और बदतर हो रही है। दूसरी, खनन और अन्य विशाल औद्योगिकी परियोजनाओं के लिए आदिवासियों की जमीन को छीना जा रहा है। यानी जहाँ पर आदिवासी पहले रह रहे थे वहाँ पर अलग अलग प्रकार की खनन गतिविधियाँ और अन्य औद्योगिक इकाइयों की स्थापना हो रही है, जिसकी वजह से उन आदिवासियों की जमीनों को क्या किया जा रहा है, छीना जा रहा है, और इस कारण से आदिवासियों की स्थिति पहले से भी क्या हो रही है, बदतर होती जा रही है। ठीक है बच्चों, आगे देखें, अंग्रेजों ने सरकारी दस्तावेजों को किस तरह सुरक्षित रखा। तो देखो बच्चों, 22 से लेकर 29 तक के जो प्रश्न हैं उनमें केवल 5 प्रश्न करने हैं और प्रत्येक प्रश्न कितने अंक का है, 3 अंक का। तो 22वां प्रश्न है कि अंग्रेजों ने सरकारी दस्तावेजों को किस तरह सुरक्षित रखा। तो बच्चों इसका आंसर हो जाएगा कि अंग्रेजों का मानना था कि सभी महत्वपूर्ण दस्तावेजों और पत्रों को संभाल कर रखना आवश्यक है, इसलिए उन्होंने क्या किया, सभी सरकारी संस्थानों में अभिलेख कक्ष बनवाए, यानी कि रिकॉर्ड्स और उनके जो कागज और पत्र थे उनको रखने के लिए अलग से रूम बनवाया। सभी सरकारी संस्थानों जैसे तहसील कार्यालय हो गया, कलेक्ट्रेट कार्यालय हो गया, सचिवालय कचहरी में अपने रिकॉर्ड रूम होते थे। महत्वपूर्ण सरकारी दस्तावेजों को बचाकर रखने के लिए अभिलेखागार तथा संग्रहालय भी बनाए गए। ठीक है बच्चों, 19वीं शताब्दी के पत्रों तथा ज्ञापनों को आज भी अभिलेखागारों में देखा जा सकता है। इस समय तक इन दस्तावेजों की सावधानीपूर्वक नकलें भी बनाई जाने लगी थी। इन्हें बहुत ही सुंदर ढंग से हाथ से लिखा जाता था। ठीक है बच्चों, तो 19वीं शताब्दी के मध्य तक छपाई की तकनीक के आ जाने से सरकारी विभागों की कार्यवाहियों के दस्तावेजों की बहुत सारी प्रतियां बनाई जाने लगी, और इस प्रकार वो अपने सरकारी कार्यालयों के जो कागज या पत्र थे उनके लिए उन्होंने अभिलेख और संग्रहालयों की क्या करवाई, स्थापना कराई, और उनके अंदर वो अपने महत्वपूर्ण कागजों को सुरक्षित रखा करते थे। आगे बच्चे, सहायक संधि व्यवस्था की व्याख्या कीजिए कि सहायक संधि क्या थी। ठीक है, तो बच्चों सहायक संधि की जो शुरुआत है वो किसने की थी, वो की थी लॉर्ड वेलेजली ने। किसने की थी बच्चों, लॉर्ड वेलेजली ने। और सहायक संधि का जनक किसको कहा जाता है, तो वो कहा जाता है फ्रांसीसी गवर्नर डुप्ले को। तो भारत में अगर हम बात करें कि सबसे पहले सहायक संधि की शुरुआत करने वाला व्यक्ति कौन था, तो वो फ्रांसीसी गवर्नर था डुप्ले। लेकिन भारत में इसको मुख्य रूप से आगे किसने बढ़ाया, तो लॉर्ड वेलेजली ने। तो इस संधि होती क्या थी, तो बच्चों ये संधि अंग्रेजी कंपनी और राजदेशी राजाओं के बीच में होती थी। किसके बीच में होती थी, अंग्रेजी कंपनी और देशी राजाओं के बीच में। ये संधि में शर्तें क्या होती थी कि अपने राज्य में अपने खर्च पर एक अंग्रेजी सेना रखना, इसे सहायक सेना कहा जाता था। यानी प्रत्येक राज्य में देशी राजाओं के साथ एक अंग्रेजी सेना होती थी जिसका पूरा खर्च वो राज्य वहन करता था। ठीक है, दूसरा अपने दरबार में एक अंग्रेज प्रेसिडेंट रखना। दूसरी क्या शर्त थी कि प्रत्येक राजा के दरबार में क्या होगा, अंग्रेज प्रेसिडेंट होगा, यानी अंग्रेजों का एक प्रतिनिधि आदमी होगा जो अंग्रेजों के सारे नियम कायदे उस राजा महाराजा को समझाएगा और उनके द्वारा बनाए गए नियमों के क्या करेगा, वहां तक जानकारी देगा। तीसरा अपने दरबार में अंग्रेजों की आज्ञा के बिना
किसी विदेशी को नौकरी न देना। तीसरा नियम क्या था इन संधियों के अंतर्गत, कि कोई भी राजा महाराजा अपने दरबार में अंग्रेजों की अनुमति के बिना किसी भी विदेशी को नौकरी पर नहीं रखेगा। चौथा, अंग्रेजों के किसी मित्र राज्य के साथ अंग्रेजों की आज्ञा के बिना युद्ध अथवा संधि नहीं करना। यानी अगर कोई राज्य अंग्रेजों का मित्र है और अगर वो राजा उस राज्य के साथ युद्ध करना चाहता है या किसी भी प्रकार की संधि करना चाहता है तो पहले वो क्या करेगा, अंग्रेजों से परमिशन लेगा। बिना परमिशन के वो नहीं किसी से युद्ध करेगा और नहीं किसी से संधि करेगा। पांचवा था, किसी अन्य राज्य से युद्ध हो जाने पर अंग्रेजों का निर्णय मानना। कि अगर किसी राज्य से युद्ध हो जाता है तो वो राजा महाराजा अंग्रेजों की बातें मानने के लिए क्या होगा, बाध्य होगा। तो इन शर्तों के बदले अंग्रेज देशी राजाओं को बाहरी आक्रमण तथा भीतरी संघर्ष से क्या करते थे, रक्षा करते थे। ठीक है बच्चों, तो ये थी क्या थी, सहायक नीति। आगे है बच्चों, महात्मा गांधी बच्चों को हस्तकलाएं क्यों सिखाना चाहते थे, कि महात्मा गांधी बच्चों को हस्तकलाएं क्यों सिखाना चाहते थे, इसका कारण बताना है। तो बच्चों देखें, महात्मा गांधी के अनुसार इससे व्यक्ति के मस्तिष्क एवं आत्मा का क्या होगा, विकास होगा। यह हस्तकला के जरिए व्यक्ति के मस्तिष्क एवं आत्मा का विकास होगा। दूसरा, उनका सोचना था कि केवल पढ़ना लिखना अपने आप में शिक्षा नहीं है, कि केवल किताबी ज्ञान होना अपने आप में शिक्षा नहीं है। लोगों को अपने हाथ से काम करना सीखना चाहिए और उन्हें विभिन्न निपुणताओं को सीखना चाहिए और उन्हें यह जानना चाहिए कि विभिन्न चीज़ें किस तरह कार्य करती है। ठीक है, तो गांधी जी के मन में ये ऐसे विचार थे, इस कारण से वो क्या चाहते थे, वो बच्चों को हस्तकला सिखाना चाहते थे कि हस्तकला के जरिए व्यक्ति के मस्तिष्क और आत्मा का विकास होगा और उनकी नज़रों में केवल किताबें पढ़ना लिखना ही शिक्षा नहीं है, साथ ही साथ व्यक्ति में कुछ अन्य गुणों का विकास होना चाहिए, कुछ निपुणताओं का विकास होना चाहिए और उन्हें ये पता होना चाहिए कि विभिन्न चीज़ें किस तरह कार्य करती है। ठीक है बच्चों, इस कारण से वो बच्चों को हस्तकला सिखाना चाहते थे। आगे है बच्चों, परंपरागत और गैर परंपरागत ऊर्जा के स्रोतों में अंतर स्पष्ट कीजिए, कि परंपरागत ऊर्जा स्रोत क्या होते हैं और गैर परंपरागत ऊर्जा स्रोत क्या होते हैं, इसमें हमें अंतर बताना है। तो देखिए बच्चों, परंपरागत ऊर्जा स्रोत क्या होते हैं, तो जिन स्रोतों का उपयोग मनुष्य अपनी ऊर्जा की आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए लंबे समय से करता आ रहा है, उन स्रोतों को हम क्या कहते हैं, परंपरागत ऊर्जा स्रोत कहते हैं। इन स्रोतों का भंडार सीमित है तथा ये अनवीकरणीय ऊर्जा स्रोत है, यानी उनका पुनः उत्पादन या निर्माण नहीं हो सकता या फिर इनको बनाने में काफी लंबा समय लग जाएगा। इन ऊर्जा स्रोतों के उपयोग से क्या फैलता है, प्रदूषण फैलता है। जैसे उदाहरण की बात करें, कोयला, पेट्रोलियम, प्राकृतिक गैस आदि परंपरागत ऊर्जा के क्या है, उदाहरण है, जो काफ़ी लंबे समय से लोगों के द्वारा उपयोग में लाए जा रहे हैं और इनके भंडार कैसे हैं, सीमित हैं। और अगर इसी तरह से इनका दोहन होता रहा तो एक समय ऐसा आएगा कि ये क्या हो जाएंगे, बिल्कुल समाप्त हो जाएंगे और फिर से उनका उत्पादन करना या इनका निर्माण करना क्या हो जाएगा, काफ़ी कठिन या असंभव हो जाएगा। दूसरे हैं गैर परंपरागत ऊर्जा के स्रोत। तो बच्चों, जिन स्रोतों का उपयोग मनुष्य अपनी ऊर्जा की आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए परंपरागत ऊर्जा स्रोतों के विकल्प के रूप में करना लग गया है, यानी कि परंपरागत जो स्रोत हैं उनके विकल्प के रूप में आज जो लोग हैं, जिन ईंधन स्रोतों का उपयोग कर रहे हैं या ऊर्जा के स्रोतों का उपयोग कर रहे हैं, उन्हें हम गैर परंपरागत ऊर्जा के स्रोत कहते हैं। इन स्रोतों का भंडार क्या है, सीमित नहीं है, यानी इनका कुछ भी भंडार सीमित नहीं है, ये कैसे हैं, असीमित हैं। और ये नवीकरणीय ऊर्जा के कैसे हैं, स्रोत है, इनका पूर्ण से उत्पादन हो सकता है। इन ऊर्जा स्रोतों के उपयोग से प्रदूषण भी नहीं फैलता है। जैसे उदाहरण की बात करें, सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा, ज्वारीय ऊर्जा आदि सब गैर परंपरागत ऊर्जा स्रोत के उदाहरण है, यानी ये ऐसे स्रोत हैं जो कभी भी खत्म होने वाले नहीं है, यानी आजीवन ये बने रहेंगे। ठीक है बच्चों, तो ये अंतर हो गया। आगे देखें, सतत पोषणीय विकास क्या है। सतत पोषणीय विकास बच्चों क्या है, देखें तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, कि सतत पोषणीय विकास का मतलब ये है कि यह आर्थिक विकास की क्या है, एक प्रक्रिया है जिसका उद्देश्य प्राकृतिक संसाधनों तथा पर्यावरण में बिना किसी हानि के वर्तमान तथा भविष्य की पीढ़ियों दोनों के जीवन की गुणवत्ता बनाए रखना है। यानी सीधी बात हम कहें कि आज हमारे पास जितने भी संसाधन हैं उन संसाधनों का एक उचित तरीके से दोहन किया जाए ताकि हमारे आने वाली पीढ़ियों के लिए भी वो सुरक्षित बच सके। ठीक है बच्चों, सतत पोषणीय विकास का मतलब क्या है, कि विकास की वह प्रक्रिया जिसमें हम संसाधनों का उतना ही उपयोग करें ताकि वो आने वाली पीढ़ियों के लिए भी क्या रहे, बने रहे और वो भी उनका उपयोग कर सके। ठीक है बच्चों, तो इसकी विशेषता क्या होती है, जैसे प्राकृतिक संसाधनों के कार्य कुशल उपयोग, इसका अर्थ है कि प्राकृतिक संसाधन तथा पर्यावरण कार्य कुशल तरीके से उपयुक्त होगा जो आय में वृद्धि और रोजगार, निर्धनता के उन्मूल, जीवन स्तर में सुधार आदि के उद्देश्य के रूप में प्राप्त होगा। भविष्य में जीवन की गुणवत्ता में कोई कटौती नहीं, यानी सतत पोषणीय विकास का उद्देश्य प्राकृतिक संसाधनों और पर्यावरण के उपयोग से
वर्तमान जीवन शैली को बढ़ाना है, साथ ही इस तरह से भविष्य पीढ़ियों के जीवन की गुणवत्ता भी नीचे नहीं गिरनी चाहिए। यानी इनका उपयोग इस तरह से करना है कि वर्तमान की आवश्यकता तो पूरी होनी चाहिए लेकिन आने वाली पीढ़ियों के लिए भी वो बने रहना चाहिए। दूसरा, प्रदूषण में कमी नहीं, यानी हमें उन गतिविधियों को कम करना है जिनसे उच्च जीवन शैली क्रम में बनी रहती है। यह प्राकृतिक संसाधनों और पर्यावरण को हानिकारक सिद्ध करता है, यानी हमें उतना ही उसका उपयोग करना है ताकि हमारा पर्यावरण प्रदूषण भी क्या हो, ज़्यादा न हो और एक उचित स्थिति में बना रहे और इतना भी न फैले कि आने वाली पीढ़ियों के लिए जीना भी क्या हो जाए, दुश्वार हो जाए। ठीक है बच्चों, तो ये क्या है, ये कुछ सतत पोषणीय विकास की विशेषता है। आगे है बच्चों, भारत वे कौन से मुख्य तत्व हैं जो उद्योग की अवस्थिति को प्रभावित करते हैं, कि उद्योग की अवस्थिति यानी स्थिति को कौन कौन से कारक प्रभावित करते हैं, कि उद्योग कहाँ पर होने चाहिए, कहाँ पर नहीं होने चाहिए, या एक उद्योगों का विकास कहाँ पर हो सकता है, उसको कौन कौन से कारक प्रभावित करते हैं। तो पहला कारक है बच्चों, कच्चे माल की उपलब्धता, कि सबसे उद्योगों के लिए सबसे पहले जरूरी बात क्या है कि वहाँ पर जहाँ पर उद्योगों कल कारखाने फैक्ट्रियों की स्थापना की जा रही है वहाँ पर कच्चे माल की पर्याप्त मात्रा में कैसी हो, उपलब्धता होनी चाहिए। दूसरा, वहाँ पर उचित भूमि होनी चाहिए ताकि अगर उससे निकलने वाले कूड़े करकट गंदगी का क्या किया जा सके, उचित निपटान भी किया जा सके। फिर उचित श्रम यानी मजदूर आसानी से मिल जाने चाहिए। शक्ति के साधन उपलब्ध होने चाहिए, वहाँ पर परिवहन यानी आवागमन की सुविधा पर्याप्त होने चाहिए और कच्चे माल को बेचने के लिए पर्याप्त बाजार भी होना चाहिए। तो एक उद्योग की अवस्थिति को ये सारे कारक क्या करते हैं, प्रभावित करते हैं। अगर ये सारे कारक उचित रूप से उपलब्ध है तो निश्चित रूप से वहाँ पर उद्योगों का क्या हो सकता है, विकास हो सकता है। आगे बच्चों, भारतीय धर्मनिरपेक्षता की व्याख्या कीजिए। तो बच्चों ये हम पहले कर चुके हैं, भारतीय धर्मनिरपेक्षता की व्याख्या। आगे देखो FIR से आप क्या समझते हैं बच्चों, तो FIR की फुल फॉर्म होती है फर्स्ट इन्फॉर्मेशन रजिस्टर, फर्स्ट इन्फॉर्मेशन रिकॉर्ड या रजिस्टर। ठीक है बच्चों, रिकॉर्ड कहीं भी मिलेगा या फिर रजिस्टर। इसका मतलब क्या होता है बच्चों, FIR का मतलब होता है कि जब भी किसी प्रकार की असंवेदनशील या फिर आपत्तिजनक यानी आपत्तिजनक कहीं पे कुछ घटना होती है तो उसकी सूचना कहाँ दी जाती है, पास के पुलिस स्टेशन में दी जाती है। तो उस पुलिस कार्यालय में क्या होता है, एक रजिस्टर होता है जिसके अंतर्गत उस घटना की क्या लिखी जाती है, जानकारी लिखी जाती है। उस घटना की जानकारी के मतलब कि वो घटना कहाँ पर हुई, उस जगह का नाम, उसका समय क्या था, तारीख क्या थी, वारदात क्या हुई है, क्या वहाँ पर कुछ ऐसे कोई संबंधित गवाह उपस्थित थे या नहीं, तो ऐसी सब जानकारी उस एक पत्र में या इस कागज़ पर लिखी जाती है जो पुलिस विभाग का क्या होता है, एक सरकारी रजिस्टर होता है, उसमें जानकारी लिखी जाती है, इसी को कहते हैं FIR। ठीक है बच्चों, जिसमें क्या होता है, उस घटना से संबंधित जो प्रारंभिक जानकारी होती है उस प्रारंभिक जानकारी को लिखा जाता है कि भाई कहाँ हुआ है, टाइम क्या था, तारीख क्या थी, स्थान क्या था, घटना क्या हुई है, क्या वहाँ पर कुछ सबूत मिले हैं या किसी कोई गवाह ने क्या पर देखा है, तो क्या देखा, उस संबंधित सूचना को क्या लिखा जाता है, FIR में लिखा जाता है। ठीक है बच्चों, तो उम्मीद करता हूँ ये प्रश्न भी आप समझ गए होंगे। आगे देखें, भारत के विभिन्न भागों में असहयोग आंदोलन ने किस किस तरह के रूप ग्रहण किए और लोगों की गांधी जी के बारे में क्या धारणा थी, इसका हमें उत्तर बताना है बच्चों, कि भारत के विभिन्न भागों में असहयोग आंदोलन ने किस तरह के रूप ग्रहण किए, किन 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 रूपों में असहयोग आंदोलन फैला था, कि किन किन स्थानों पर किस तरह से आंदोलन फैला और लोगों की गांधी जी के बारे में क्या धारणा थी, इसे मैं बताना है। तो देखो बच्चों, तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि असहयोग आंदोलन ने भारत के विभिन्न जगहों पर किन किन रूपों में क्या किया, आंदोलन का व्यापक प्रचार हुआ। तो हम बात करें सबसे पहले खेड़ा गुजरात में पाटीदार किसानों ने अंग्रेजों द्वारा थोप दिए गए भारी लगान के खिलाफ अहिंसक अभियान चलाया। यानी असहयोग आंदोलन की शुरुआत की बात करें वो सबसे पहले कहाँ से शुरू हुआ, खेड़ा गुजरात से, जहाँ पर अंग्रेजों द्वारा भारी लगानों के खिलाफ किसानों से सबसे पहले अहिंसक आंदोलन शुरू किया। दूसरा, आंध्र प्रदेश के गुट्टूर जिले में आदिवासी और गरीब किसानों ने बहुत सारे वन सत्याग्रह किए। समुद्र तटीय आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु में शराब की दुकानों की घेरेबंदी की गई। फिर तीसरा, सिंध और बंगाल में खिलाफत असहयोग गठबंधन ने राष्ट्रीय आंदोलन को पर्याप्त सांप्रदायिक एकता और मजबूती प्रदान की। पंजाब में सिखों के अकाली आंदोलन अपने गुरुद्वारों से महंत भ्रष्ट महंतों को हटाना चाहते थे। असम में गांधी महाराज की जय की नारे लगाते हुए चाय बागान मजदूरों ने अपनी तनख्वाह में इजाफे की मांग कर दी। ठीक है बच्चों, तो इस आधार पर लोग गांधी जी को एक तरह का मसीहा, एक ऐसा व्यक्ति मानने लगे थे जो उन्हें मुसीबतों और गरीबी से छुटकारा दिला सकते हैं।
तो इस तरह गांधी जी को एक भगवान के रूप में समझ लीजिए माना जाने लगा। ठीक है बच्चों, आगे देखो बच्चों, भारत में राष्ट्रवाद का उदय किन परिस्थितियों में हुआ, यानी भारत में जो राष्ट्रवाद की शुरुआत हुई, यानी लोगों में विकास, लोगों में स्वतंत्रता की जो भूख जगी, लोगों में अपने प्रति कुछ कर गुजरने की जो आवाज़ गूंजी, देश को लोगों की गुलामी से, अंग्रेजों की गुलामी से जो छुटकारा दिलाने की जो भावना जगी, वो किन परिस्थितियों में जगी, उसका हमें उत्तर बताना है। देखो बच्चों, तो इसके तात्कालिक कारण क्या थे, तो 19वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में भारतीयों में राष्ट्रीय राजनीतिक चेतना का विकास बहुत तीव्र गति से हुआ, फलस्वरूप भारत में एक संगठित राष्ट्रीय आंदोलन का क्या हुआ, सूत्रपात हुआ। भारतीय राष्ट्रवाद कुछ सीमा तक उपनिवेशवादी नीतियों तथा उन नीतियों से उत्पन्न भारतीय प्रतिक्रिया के परिणाम स्वरूप ही उभरा था। पाश्चात्य शिक्षा का विस्तार, मध्यम वर्ग का उदय, रेलवे का विस्तार तथा सामाजिक धार्मिक आंदोलनों ने राष्ट्रवाद की भावना के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। इसके अगर तात्कालिक कारणों की बात करें कि राष्ट्रवाद के तात्कालिक कारण क्या थे, तो कई सारे तात्कालिक कारण थे जिन्होंने राष्ट्रवाद की भावना को हवा दी, जैसे एल्बर्ट बिल विवाद हो गया, सिविल सर्विस की आयु सीमा को कम करना हो गया, दक्षिण भारत में भयंकर अकाल के समय दिल्ली दरबार का आयोजन करना हो गया तथा शस्त्र अधिनियम आदि। जब हम बात करते हैं कि एल्बर्ट बिल विवाद क्या था, तो एल्बर्ट बिल के जरिए जनपद सेवा के भारतीय जिला तथा सत्र न्यायाधीशों को उनके यूरोपीय समकक्षों के समान अधिकार देने का प्रयत्न किया गया, जिसे लॉर्ड रिपन ने नस्लीय भेद आधारित न्यायिक असमर्थता समाप्त करने का प्रयत्न किया। यूरोपीय लोगों द्वारा एल्बर्ट बिल का विरोध किया जाना विवाद शुरू हो गया और इसे यूरोपीय लोगों की जातीय दम को लेकर नस्लीय मानसिकता दिखाई पड़ने लगी। इसी तरह लॉर्ड लिटन की संकीर्ण दृष्टि दौड़ वाली नीतियों ने भी राष्ट्रवाद की भावना को जगाने का कार्य किया। उन्होंने क्या किया, सिविल सेवा में भर्ती होने की आयु को 21 वर्ष से घटाकर 19 वर्ष कर दिया, जिसे शिक्षित भारतीय युवक परीक्षा न देखे। इस प्रकार कहा जा सकता है कि ब्रिटिश उपनिवेशवादी नीतियों और भारतीय हितों के टकराव ने भारत में एक नए युग का सूत्रपात किया, जिसने प्रवर्ती राष्ट्रीय आंदोलन की क्या रखी, आधारशिला रखी। तो ये कई सारे कारण थे, जैसे पाश्चात्य शिक्षा का विस्तार होना, मध्यम वर्ग का उदय, रेलवे का विस्तार, सामाजिक धार्मिक आंदोलन, एल्बर्ट बिल विवाद, सिविल सर्विसेज की आयु की सीमा को कम करना, दक्षिण भारत में भयंकर काल के समय दिल्ली दरबार का आयोजन करना, शस्त्र अधिनियम, ये सारे कारण थे। और इन परिस्थितियों में ही क्या हुआ, भारत में राष्ट्रवाद का उदय हुआ। आगे बच्चों, प्राकृतिक वनस्पति और वन्य जीवन का संरक्षण क्यों और कैसे करना चाहिए। ये तो बिल्कुल सरल प्रश्न है कि प्राकृतिक वनस्पति और वन्य जीव का हमें संरक्षण क्यों करना चाहिए और कैसे करना चाहिए। तो देखिए बच्चों, क्यों करना चाहिए, तो सबसे पहले यह पारिस्थितिकीय संतुलन बनाए रखने के लिए जरूरी है। यदि पेड़ पौधे और वन्य जीव इस धरती से नष्ट हो जाएंगे तो पूरा पारिस्थितिकीय जो संतुलन है वो बिगड़ जाएगा और इस दुनिया का चल पाना क्या हो जाएगा, असंभव हो जाएगा। दूसरा, जैविक विविधता बनी रहे, यानी प्रकृति में जैविक विविधता बनी रहे, विभिन्न जीवों के बीच सामंजस्य बना रहे, इसलिए इन जीवों का संरक्षण होना जरूरी है। यह भूमि के कटाव को रोकते हैं, यानी जो वन है वो भूमि के कटाव को रोकते हैं, साथ ही वर्षा के लिए जिम्मेदार है, साथ ही प्रदूषण को कम करने का कार्य करते हैं और प्रकृति का संतुलन बनाए रखने के लिए जरूरी है। वन्य जीवन के संरक्षण के लिए और उन्हें आश्रय प्रदान करने के लिए, यानी अगर वन्य जीव के रहने के लिए हम उनके आश्रय स्थानों को, जंगलों, वनों को नष्ट कर देंगे तो उनके रहने की जगह क्या हो जाएगी, समाप्त हो जाएगी, वो मुक्त रूप से विचरण नहीं कर पाएंगे। और जब उनके आश्रय स्थल समाप्त हो जाएंगे तो निश्चित रूप से धीरे धीरे वो भी क्या हो जाएंगे, समाप्त हो जाएंगे। ठीक है बच्चों, और कारण क्या हो सकते हैं, और कारण हो सकते हैं कि वन्य और वन्य जीवों से हमें क्या मिलती है, इमारती लकड़ी मिलती है। वनों से मकानों के लिए इमारती लकड़ी प्राप्त होती है जो फर्नीचर, खिड़कियाँ, दरवाजे आदि बनाने में काम आती है। दूसरा, वनों से क्या प्राप्त होता है, ईंधन प्राप्त होता है, तो खाना पकाने के लिए ईंधन की जरूरत पड़ती है और वो कहाँ से प्राप्त होता है, लकड़ी से प्राप्त होता है। इसी तरह कागज बनाने के लिए लकड़ी व बांस से अखबारी व उच्च कोटि के कागज को बनाने के लिए इसका उपयोग किया जाता है। तो अगर वन और जंगल नष्ट हो जाएंगे तो निश्चित रूप से कागज के उत्पादन भी नहीं होगा और हमारी अर्थव्यवस्था या हमारे जो रोज़मर्रा का काम है वो इसी कागज पर आधारित होता है। तो अगर कागज ही नहीं बनेगा तो फिर हमारी कई सारी क्रिया क्या हो जाएगी, प्रभावित हो जाएगी। जैसे भोजन के आदिवासी लोग और जो वनों में रहने वाले जीव जंतु और कई सारे समाज अपने भोजन और आजीविका के लिए वनों और जंगलों और पेड़ पौधों पर आश्रित होते हैं। अगर ये नष्ट हो जाएंगे तो उनकी आजीविका भी क्या हो जाएगी, समाप्त हो जाएगी। उसे अन्य उत्पाद की बात करें तो वनों से तेल, कपूर, गोंद, औषधियाँ, सिकाकाई, मोम आदि चीज़ें प्राप्त होती है। तो इन सभी के लिए निश्चित रूप से हमें वन्य और वन्य जीवों का क्या करना चाहिए, संरक्षण करना चाहिए। अब कैसे कर सकते हैं, वो उपाय क्या है, तो सबसे पहले सरकार द्वारा क्रियान्वित वन नीति का मुख्य उद्देश्य पर्यावरणीय स्थिरता और
पारिस्थितिकी संतुलन बनाए रखना है, ठीक है। इसके लिए वन संरक्षण कानून 1980 वनों के विनाश तथा वन भूमि का वनों के अतिरिक्त दूसरे कार्यों के लिए उपयोग क्या करता है, रोकता है। वन रोपण करना, बंजर भूमि का विकास करना, मौजूदा वनों में पुनर्रोपण करना, वनों की नियंत्रित एवं वैज्ञानिक विधि से कटाई करना, वनों को आग से बचाना और उनके निरीक्षण के लिए अनुवीक्षण मीनारों की स्थापना करना, ईंधन के लिए वैकल्पिक स्रोत जैसे रसोई गैस, सौर चूल्हे आदि का उपयोग करना, भवन निर्माण में लकड़ी की अपेक्षा लोहा, टीन आदि का उपयोग करना, पशु चारण और ईंधन हेतु वृक्षों व झाड़ियों की कटाई पर रोक लगाना, इमारती लकड़ी के व्यापार को सीमित करना, दीमक, सड़ी, झिंगूर, गुबरेला जैसे हानिकारक कीटों पर नियंत्रण करना, कृषि वानिकी, विस्तार वानिकी, रक्षा पक्ति वानिकी, वन संरक्षण, चिपको आंदोलन एवं वन महोत्सव के प्रति लोगों में चेतना विकसित करना, ठीक है बच्चों। ये सारे कारण हैं जिनके जरिए हम वन वन्य जीवों और जो प्राकृतिक वनस्पति है उनका संरक्षण कर सकते हैं। आगे प्रश्न है, जल संसाधनों का संरक्षण कैसे किया जा सकता है, कि जल संसाधनों का हम संरक्षण किस तरह कर सकते हैं। तो ये भी बच्चों बिल्कुल सरल है कि हर नागरिक में जल संरक्षण हेतु नागरिकता लानी होगी। हर नागरिक सोवर की जगह बाल्टी में पानी भरकर स्नान करें, सेविंग करते समय नल बंद रखें, बर्तन धुलते समय नल के स्थान पर टब का प्रयोग करें। उत्तराखंड जल संसाधन के अनुसार टॉयलेट में लगी फ्लश की टंकी में प्लास्टिक की बोतल में पानी भरकर रख देने से हर बार 1 लीटर जल बचाया जा सकता है। गांव और शहरों में पहले तालाब हुआ करते थे जिनमें जल एकत्रित होता था, जो न केवल पानी के स्तर को आसपास बचाए रखता था बल्कि दैनिक उपयोग में भी काम आता था। आज गांवों और शहरों के तालाबों को पाट कर घर बना लिए गए हैं, अतः जरूरी है कि जल संरक्षण हेतु गांव और शहरों में तालाब फिर से खोदे जाएं। गंदे जल का सिंचाई में उपयोग करके भी जल संरक्षण किया जा सकता है। वर्षा के जल को छत पर संरक्षण कर उसका उपयोग करना, और इसलिए छत पर पानी की टंकी बना सकते हैं। सार्वजनिक स्थल पर नल की टोटी अक्सर खराब रहती है, उनकी मरम्मत कर या लोगों में जागरूकता लाकर हजारों लीटर पानी संरक्षित किया जा सकता है। तो ये बहुत से कारण हैं जिनका उपाय, जिन तरीकों को आप उपयोग में लाकर जल संरक्षण को क्या कर सकते हैं, अपने दैनिक जीवन में लागू कर सकते हैं और जल संसाधनों का बचाव कर सकते हैं। तो बच्चों ये आपके हमने सभी प्रश्न सॉल्व कर लिए हैं। उम्मीद करता हूँ ये सारे प्रश्न आपको अच्छे समझ में आए होंगे। अगर ये आपको क्लास पसंद आई है तो ज़्यादा से ज़्यादा अपने मित्रों को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें। अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो इसी तरह की महत्वपूर्ण वीडियो की प्राप्ति हेतु चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को जरूर दबाएं। तो बच्चों आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।